भाई ने पूरे अवाम के सामने, उन्होंने बोला मैंने दूर से देखा है, 50 मीटर की दूरी से। अच्छा तो अभी मेरा नहीं, नहीं नहीं मेरा खत्म नहीं हुआ है, कोई फोटो सुनो, कोई फोटो है आदिल का सलमान के साथ, आईफा से ले लो, आप आईफा से वीडियो ले लो, आईफा अगर दे दे तो ले लो। हाँ उनके वीडियो, उनके पास वीडियो है। अच्छा राखी अभी सलमान खान से कोई बात हुई? बिकॉज ही इज लाइक योर ब्रदर, आपने बहुत सारी कंसल्टिंग भी उनके साथ की है, जैसे अभी उन्होंने बताया कि वो सलमान खान से नहीं मिले, तो सलमान खान भी अभी इस बात के गवाह तो है ही एक्चुअली। तो आपने इस बात की उनके साथ कोई बात हुई है फोन पर या उनकी टीम के साथ, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप सलमान? पहली बात तो आप सोचिए, पहली बात तो सोचिए, उसने मेरा मैरिज डिनाई किया था, उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, मैं भी मराठी बिग बॉस से बाहर आई थी, मुझे इतना मेंटली टॉर्चर उसने किया था जब मैं मराठी बिग बॉस से बाहर आई। आप लोगों को सबको पता है ये स्टोरी, मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, आई वॉज कंसीविंग दैट टाइम, और जब मुझे पता चला, मैं माँ के टेंशन में थी, जब मुझे उनकी गर्लफ्रेंडों के बारे में पता चला, अवैध संबंध विद द बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे जब पता चला उस वक्त मैं स्ट्रेस में आ गई एंड मेरा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, मेरा मिस कैरेज जिसको बोलते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं कोई मिस कैरेज नहीं था। मैं तुरंत उसी टाइम पे मैं डॉक्टर को बोला, डॉक्टर मेरे साथ ये हुआ है, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा मिस कैरेज हुआ है, जो किसी को भी चलते चलते भी हो जाता है। मैं डॉक्टर के पास कोई अबॉर्शन कराने नहीं गई थी, वो पाप है, वो गुनाह है, आदिल के टॉर्चर की वजह से मुझे हुआ था। अभी मासूम बन के आया है, वो ईरानी लड़की ने उसको जेल में 6 महीने डाला, उसका नाम नहीं ले रहा है, और किसी ने जो उसके 8 केस है मैसूर में 420 के, आज कितने केसेस है आपने देखे, मैंने आप लोगों को भेजा है, आप देखिए 8 केसेस है क्रिमिनल केसेस, उन्होंने उनके बारे में नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ मुझे टारगेट किया, क्यों? उसको पब्लिसिटी, उसको बिग बॉस जाना है, उसको बिग बॉस जाना है, उसको एकता कपूर जी के शो में जाना है, उसे स्टार बनना है। तो बन जाओ, लेकिन राखी का नाम लेके क्यों यार? मेरा इस्तेमाल स्टार बनने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, शादी तुमने कहा हिंदू से क्रिश्चियन, क्रिश्चियन से मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूं, मैं इस्लाम की कदर करती हूं, तेरी तरह नहीं हूं, नल्ले नल्ले तेरी तरह नहीं हूं आदिल, कि तू तो जन्म से मुस्लिम था ना, तू मुझे बता सकता था ना कुरान पे हाथ रख के, तू झूठी कसमें खाता था कि मैं तुझे बिजनेस में धोखा नहीं दूंगा, तूने शॉर्ट पहना, तूने सर पे टोपी नहीं रखी, तू मुझे बता सकता था ना कि कुरान पे हाथ ऐसे नहीं रख सकते, अगर तुमने इस्लाम कबूल किया तो तुम दुपट्टा पहनो। उसने बोला कि आप कुछ खिला दिए थे उसको, वो सो के उठा था, वो सो के उठा था और आप आए और डायरेक्ट हाथ रखवा दिया, उन्होंने सो के उठने के बाद क्या आदमी अपने सेंस में नहीं होता, सो के बाद खिला दिया, सो के उठने के बाद क्या सेंसेस में नहीं होता क्या? होता है ना, और जब आप कुरान शरीफ जैसी पाक किताब पे हाथ रख रहे हो तो पहले वजू करना पड़ता है, पाक साफ होना पड़ता है, उसके बाद आपके जो कपड़े हैं वो लिबास अच्छे दुरुस्त होने चाहिए, सर पे टोपी होनी चाहिए और मार्क होना चाहिए, क्या उसको नहीं मालूम? मैंने उसे साफ साफ कहा था, उसने कुरान पे उस वक्त हाथ रखा, वो पूरा होशो हवास में था, मैंने कहा तुम्हारे सारे अफेयर के वीडियोस जो मैंने मिस कैरेज हुआ ये हर चीज का है, अब मैं फाइनली जा रही हूँ पुलिस स्टेशन, मैंने फाल्गुनी समय अब मैं जा रही हूँ, तब उसने बोला मुझे एक चांस और दे, मैंने कहा तुम हर वक्त जुड़े बोले हो, उसने एक बार कुरान की कसम नहीं खाई, उसने हमेशा दो बार, दो वीडियो तो मैंने ही आपको भेज दिए, उसने हमेशा झूठी कसम खाई और तोड़ी है। अरे तू तो मुसलमान होके तू तो खुद मुसलमान नहीं बना है, कुरान पाक की झूठी कसम खाई है, मैं तेरा पैर पकड़ पकड़ के तुझे कहती थी चल नमाज पढ़, मैं इस्लाम की इज्जत करती हूं, मैं मुस्लिमों की इज्जत करती हूं, लेकिन ऐसे जिन्होंने कीड़े आदिल जैसे लोगों की वजह से मुस्लिम लोग बदनाम है, ऐसे लोग चल।
मेरे पास उसने मुझसे पहली बार उसने मुझे तब उस वक्त कहा था कि मैंने कहा था चलो कोर्ट में शादी करते, तो उन्होंने बोला नहीं मैं मुसलमान हूँ, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो हम मैं इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। मैंने किया, बट उन्होंने कहा आपने कोर्ट मैरिज भी की है और आपको इस्लाम, हाँ किया ना, काफी तो बाद में कराई ना, क्योंकि मुझे इनके इनके इनकी जो यूके की आंटी है वो मानने को तैयार ही नहीं, तुम हमारी बहू नहीं हो। मुझे बहुत बातें हैं। आदिल का ये भी कहना है राखी, ठीक है, आदिल तुमको 8-9 लाख रुपए पर मंथ खर्चे के लिए देता था, और रिलेवेंट सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपके सारे जवाब देती हूँ। आदिल का ये कहना है कि वो पर मंथ आपके ऊपर 7-8 लाख रुपए खर्चा करता था, एक डायमंड का नेकलेस दिया उसने आपको गाड़ी दुबई मॉल में, सर आपने 1 लाख रुपए का ड्रेस दिलाया, अरे वो भी तो वही पूछ रहे हैं यार। मैं बोलूं, मैं जो सवाल पूछ रहा हाथ क्यों डालता अपने क्या है, मैं क्या आदिल ने आपको दुबई में ले जाकर टॉलसेंट का बारा गुची प्राडा मोब्लैंक इन सब में शॉपिंग कराई लाखों रुपए की? मेरे घर में आप अभी आइए, डॉल्बेन गबाना गुची और क्या लुई विटॉन और मोब्लैंक, मैं जिंदगी में पहली बार सुन रही हूँ। बोलना भी नहीं आ रहा है। एक मिनट मैं आपको ये बोलूँ, उसको ये तो पूछे जो तेरा कार्ड है क्या इंटरनेशनली चलता है, क्या स्टेटमेंट है क्या? एक बार मैं आप लोगों के सबके चरण धो के पानी पी लूंगी, उसको बोल तेरा कार्ड चल रहा है? नहीं चलता था क्या? नहीं भाई डैनियो रिजवान, भाई डैनियो दुबई में मेरे बैंक का स्टेटमेंट आप लेकर जाओ, जब मैंने मेरे अपने अकाउंट से पैसे भरे आप उसमें 6-6 महीने का देखो आप क्या आदिल का भाई ने पूरे अवाम के सामने, उन्होंने बोला मैंने दूर से देखा है 50 मीटर की दूरी से। अच्छा तो अभी मेरा नहीं, नहीं नहीं मेरा खत्म नहीं हुआ है, कोई फोटो सुनो, हाँ कोई फोटो है आदिल का सलमान के साथ? आईफा से ले लो, आप आईफा से वीडियो ले लो, आईफा अगर दे दे तो ले लो, हाँ उनके वीडियो उनके पास वीडियो है। अच्छा राखी अभी सलमान खान से कोई बात हुई? बिकॉज ही इज लाइक योर ब्रदर, आपने बहुत सारी कंसल्टिंग भी उनके साथ की है, जैसे अभी उन्होंने बताया कि वो सलमान खान से नहीं मिले, तो सलमान खान भी अभी इस बात के गवाह तो है ही एक्चुअली, तो आपने इस बात की उनके साथ कोई बात हुई है फोन पर या उनकी टीम के साथ, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप पहली बात तो सोचिए, उसने मेरा मैरिज डिनाई किया था, उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, मैं भी मराठी बिग बॉस से बाहर आई थी, मुझे इतना मेंटली टॉर्चर उसने किया था जब मैं मराठी बिग बॉस से बाहर, आप लोगों को सबको पता है ये स्टोरी, मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, आई वॉज कंसीविंग दैट टाइम, और जब मुझे पता चला, मैं माँ के टेंशन में थी, जब मुझे उनकी गर्लफ्रेंडों के बारे में पता चला, अवैध संबंध विद द बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे जब पता चला उस वक्त मैं स्ट्रेस में आ गई एंड मेरा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, मेरा मिसकैरेज जिसको बोलते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं कोई मिसकैरेज नहीं था, मैं तुरंत उसी टाइम पे मैं डॉक्टर को बोला, डॉक्टर मेरे साथ ये हुआ है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा मिसकैरेज हुआ है जो किसी को भी चलते चलते भी हो जाता है, मैं डॉक्टर के पास कोई अबॉर्शन कराने नहीं गई थी, वो पाप है वो गुनाह है, आदिल के टॉर्चर के वजह से मुझे हुआ था, अभी मासूम बन के आया है, वो ईरानी लड़की ने उसको जेल में 6 महीने डाला, उसका नाम नहीं ले रहा है, और किसी ने जो उसके 8 केस है मैसूर में 420 के, आज कितने केसेस है आप देखिए, मैंने आप लोगों को भेजा है, आप देखिए
8 केसेस है क्रिमिनल केसेस, उन्होंने उनके बारे में नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ मुझे टारगेट किया। क्यों? उसको पब्लिसिटी, उसको बिग बॉस जाना है, उसको बिग बॉस जाना है, उसके एकता कपूर जी के शो में जाना है, उसे स्टार बनना है। तो बन जाओ, लेकिन राखी का नाम लेके क्यों यार? मेरा इस्तेमाल, स्टार बनने के लिए मेरा इस्तेमाल किया? शादी, तुमने कहा हिंदू से क्रिश्चियन, क्रिश्चियन से मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूं, मैं इस्लाम की कदर करती हूं, तेरी तरह नहीं हूं। नल्ले नल्ले, तेरी तरह नहीं हूं आदिल, कि तू तो जन्म से मुस्लिम था ना, तू मुझे बता सकता था ना, कुरान पे हाथ रख के तू झूठी कसमें खाता था कि मैं तुझे बिजनेस में धोखा नहीं दूंगा, तूने शॉर्ट पहना, तूने सर पे टोपी नहीं रखी, तू मुझे बता सकता था ना कि कुरान पे हाथ ऐसे नहीं रख सकते, अगर तुमने इस्लाम कबूल किया तो तुम दुपट्टा पहनो। उसने बोला कि आप कुछ खिला दिए थे उसको। वो सो के उठा था, वो सो के उठा था और आप आए और डायरेक्ट हाथ रखवा दिया। उन्होंने सो के उठने के बाद क्या आदमी अपने सेंस में नहीं होता? नहीं कर सकता। सो के बाद, सो के उठने के बाद खिला दिया ना, सो के उठने के बाद क्या आपके सेंसेस में नहीं होता क्या? होता है ना। और जब आप कुरान शरीफ जैसी पाक किताब पे हाथ रख रहे हो तो पहले वजू करना पड़ता है, पाक साफ होना पड़ता है, उसके बाद आपके जो कपड़े हैं वो लिबास अच्छे दुरुस्त होने चाहिए, सर पे टोपी होनी चाहिए और मार्क होना चाहिए। क्या उसको नहीं मालूम? मैंने उसे साफ साफ कहा था, उसने कुरान पे उस वक्त हाथ रखा, वो पूरा होशो हवास में था। मैंने कहा तुम्हारे सारे अफेयर के वीडियोस जो मैंने मिस करे, जो हुआ ये हर चीज का है, अब मैं फाइनली जा रही हूँ पुलिस स्टेशन, मैंने फाल्गुनी समय, अब मैं जा रही हूँ। तब उसने बोला मुझे एक चांस और दे, मैंने कहा तुम हर वक्त जुड़े बोले हो, उसने एक बार कुरान की कसम नहीं खाई, उसने हमेशा दो बार, दो वीडियो तो मैंने ही आपको भेज दिए, उसने हमेशा झूठी कसम खाई और तोड़ी है। अरे तू तो मुसलमान होके, तू तो खुद मुसलमान नहीं बना है, कुरान पाक की झूठी कसम खाई है। मैं तेरा पैर पकड़ पकड़ के तुझे कहती थी चल नमाज पढ़, मैं इस्लाम की इज्जत करती हूं, मैं मुस्लिमों की इज्जत करती हूं, लेकिन ऐसे जिन्होंने कीड़े आदिल जैसे लोगों की वजह से मुस्लिम लोग बदनाम है, ऐसे लोग मेरे पास उसने मुझसे पहली बार उसने मुझे तब उस वक्त कहा था कि मैंने कहा था चलो कोर्ट में शादी करते, तो उन्होंने बोला नहीं मैं मुसलमान हूं, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो हम मैं इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, मैंने किया। बट उन्होंने कहा आपने कोर्ट मैरिज भी की है और आपको इस्लाम, हाँ किया ना, तो बाद में कराई ना, क्योंकि मुझे इनके इनके इनकी जो यूके की आंटी है वो मानने को तैयार ही नहीं, कि नहीं तुम हमारी बहू नहीं हो। मुझे बहुत बातें हैं आदिल का, ये भी कहना है राखी जी, आदिल तुमको 8-9 लाख रुपए पर मंथ खर्चे के लिए देता था, और मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपके सारे जवाब देती हूँ। आदिल का ये कहना है कि वो पर मंथ आपके ऊपर 7-8 लाख रुपए खर्चा करता था, एक डायमंड का नेकलेस दिया उसने आपको गाड़ी दुबई मॉल में, अरे वो भी तो वही पूछ रहे हैं यार। मैं बोलूं, क्या आदिल ने आपको दुबई में ले जाकर सॉल सेंट कबाना, गुची, प्राडा, मोब्लैंक इन सब में शॉपिंग कराई लाखों रुपए की? मेरे घर में आप अभी आइए, डॉल्बेन, गबाना, गुची और क्या, लुई विटोन, लुई विटोन और मोब्लैंक, मैं जिंदगी में पहली बार सुन रही हूँ। बोलना भी नहीं आ रहा है, एक मिनट मैं आपको ये बोलती हूँ, उसको ये तो पूछे जो तेरा कार्ड है क्या इंटरनेशनली चलता है, क्या स्टेटमेंट है, क्या एक बार मैं आप लोगों के सबके चरण धो के पानी पी लूंगी, उसको बोल तेरा कार्ड चल रहा है,
नहीं चलता था क्या? दुबई में उसने आपको फ्लैग दिलाया, क्या कर रहे हैं रिजवान भाई? डैनियो दुबई में मेरे बैंक का स्टेटमेंट आप लेकर जाओ, जब मैंने मेरे अपने अकाउंट से पैसे भरे आप उसमें छह छह महीने का देखो आप क्या आदले